महेंद्रगढ़ में दादरी रोड पर हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 के पास बुधवार देर शाम एक चलती गाड़ी का टायर फटने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। गाड़ी डिवाइडर कूदकर रॉन्ग साइड आ गई और दादरी से महेंद्रगढ़ की ओर आ रहे ट्रक से टकरा गई। गाड़ी को बचाने के चक्कर में सामान से भरा ट्रक पलट गया। सूचना मिलते ही पुलिस डॉयल 112 पर मौके पर पहुंची और गाड़ी सवार पति पत्नी और बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार चरखी दादरी के बाड्डा निवासी नवीन अपनी पत्नी और बेटे के साथ किसी निजी कार्य के लिए महेंद्रगढ़ आए थे। महेंद्रगढ़ से वापस जाते समय यह हादसा हुआ। हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। सदर थाना प्रभारी युद्धवीर सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया था। उन्होंने बताया कि गाड़ी का टायर फटने से यह हादसा हुआ। गाड़ी और ट्रक में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं और अभी तक किसी भी ओर से शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस पूरे मामले में गनीमत यह रही कि ट्रक चालक ने गाड़ी को बचाने का भरपूर प्रयास किया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया।